को निकल पड़े हैं इस कैंप की तरफ। अपनी बाइक और अपना सामान, थोड़ा सामान हमने यहाँ दुकू में रख दिया है और अब हम निकल गए हैं इस कैंप की ओर। हमें यहाँ से एक डेढ़ घंटा हमको पैदल चलना पड़ेगा, ये है उसके बाद हम पहुँचेंगे। काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी सारे मकान हैं यहाँ पर और अभी के टाइम पे यहाँ पर लोग भी बहुत हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो आप ये रोड देख रहे हैं, एक रोड जा रही है सामने, वो रोड जाती है आपका चाइना बॉर्डर यानी कि तिदांग तक ये रोड जाती है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। पेड़ नहीं है कुछ और, बढ़िया हरियाली है यहाँ पर, खुशनुमा मौसम। कितने खूबसूरत यहाँ पर फूल खिले हुए हैं, छोटे से हैं मगर प्यारे से हैं। अभी हम हैं पंचाचुली बेस कैंप के ट्रैक पर हैं, दुकतू से हम चले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है अभी तक तो यहाँ, मतलब बहुत मज़ा आया, काफ़ी हरियाली है। शुरुआत में 200-300 मीटर की खड़ी चढ़ाई, उसके बाद सीधा सीधा रास्ता है, कोई चढ़ाई नहीं है, तो यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये हम चल रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पर क्या खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे, यहाँ पर फूल खिले हुए हैं अलग अलग प्रकार के, जो यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं, ये है भोजी पत्र भोजी वृक्ष, चलो जो भी है, लेकिन जो इसका जो बाहर की जो खाल है, कहा जाता है कि ये जो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि होते थे तो इसकी खाल का उपयोग करते थे लिखने के लिए। देखिए कितने बढ़िया करके खाल निकल रही है। तो यह भोजी वृक्ष, काफ़ी सारे पेड़ हैं इसके यहाँ पर। पहुंच गए हैं यहाँ पर पंचाचुली बेस कैंप में। हमको शायद 1 से 1.5 घंटा लग गया पैदल आने में दुकतू से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर हट बने हुए हैं, इग्लू हट यहाँ पर बने हुए हैं। तो अभी का नज़ारा कुछ तो यहाँ से जो नज़ारा है, कोहरा लगा हुआ है हल्की हल्की, यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है। तो दोस्तों सामने जो आप बादल देख रहे हैं, इसके पीछे है पंचाचुली, जिसको देखने के लिए हमें बादलों के हटने का वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, तो थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ जाएगा। काफ़ी सारे यहाँ पर हट बने हुए हैं। ये है हट, इग्लू हट, और इसके अंदर का जो सीन है वो कुछ ऐसा है, 1, 2, 3, 4, 5 बेड इसमें होंगे, अलमीरा भी है, लाइट भी है, और चार्जिंग के लिए स्विच भी है, सॉकेट भी है। तो इसी के साथ हमारा खाना भी आ गया है, तो अब हम खाना खाते हैं और उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो लंच करने के बाद हम सो गए थे और उसके बाद हम सीधा डिनर करने के लिए उठे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। तो ये आ गया हमारा डिनर, ये है अंडा करी और ये है दाल चावल और ये है लौकी चना और रोटी, और हम अभी अपना खाना यहाँ पर
मतलब इग्लू हट है उसके अंदर ले आए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग अगली वीडियो में पंचाचूली के खूबसूरत नज़ारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।